वेलकम बैक आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे खुशहाल होंगे और मजे में होंगे तो हम लोग भी बेहतर हैं तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने ब्लॉग को यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है अर्ली मॉर्निंग से और ये ना मैं जो छोले हैं मैंने रात में ही ना शोक करके रख दिए थे तो अब मैं इनको सबसे पहले बॉयल होने के लिए रख दूँगी तो ये मैं जो तैयारी कर रही हूँ ये है लंच की तो यहाँ मैं सिर्फ ना छोलों को बस ऐसे ही तैयार यानी कि उबाल के रख दूँगी और उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की तो जो रात की मेरी ना दाल बची थी तो आज मैं उसी के ही पराठे बनाने वाली हूँ नाश्ते में जो कि चाय के साथ होंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप लोग की ना दाल वग़ैरह बचती है तो ट्राई करके देखें एक बार आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं तो यहाँ ना आटे में मैंने सिर्फ नमक को डाला है और उसी के साथ ही ये मेरी मूंग और मसूर की दाल थी जो कि एक्स्ट्रा मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे ही बनाने थे तो जिस दिन ना मुझे ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे बनाने होते हैं उस दिन मैं डिनर में ना दाल इतनी बनाती हूँ जो कि मेरी मॉर्निंग में थोड़ी बच जाए तो यहाँ देखें ब्रेकफास्ट के लिए चाय मेरी बनके तैयार है साथ में पराठे भी तैयार हैं तो बस ये हो जाएगा हमारा एकदम बढ़िया सिंपल सा देसी वाला ब्रेकफास्ट तो देखें पराठे भी हमारे एकदम बढ़िया तरीके से आ, सिक्के तैयार हो चुके हैं और ये पलट ली चाय कप में और बस रेडी हो गया हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट और यकीन मानिए ये ना दाल के पराठे बड़े ही अच्छे लगते हैं क्रिस्पी होते हैं और साथ में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से हम आ गए थे अपने किचन में तो यहाँ पे फिर मैंने ना अपने छोले बॉईल करके रख लिए थे और बस अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जो अपनी वेजीज हैं उसकी कटिंग एंड शॉपिंग अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ मैंने अनियन है ग्रीन चिली है टमेटो है कोरिएंडर लीव्स तो सारी चीज़ों को ही मैंने एकदम फाइनली चॉप्ड कर लिया था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लंच में आखिर ऐसा क्या बना रही हूँ तो ये मैं बना रही हूँ छोले कुलचे और ये ना छोले बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और काफ़ी ही टेस्टी भी होते हैं तो यहाँ ना मैंने छोलों को निकाल लिए एकदम सॉफ्ट मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे और ये देखें सारी बेजीज़ को इसमें डाल दिया है साथ में कुछ मसाले मैंने ऐड किए हैं जैसे कि धनिया पाउडर है मिर्ची पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला साथ में थोड़ा सा काला नमक डाला है एंड भुरे भुने हुए जीरे का पाउडर और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम नींबू और फिर इसको अच्छे से हमें चला लेना है काफ़ी बेहतर तरीके से जिससे कि सारे मसाले एकदम से मिक्स हो जाएं और बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी सजावट की है तो ये आ, लेमन वगैरह कोरिएंडर लीव्स से और ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए साथ में अब हम अपने कुलचे की तैयारी करते हैं तो कुलचे का आटा ना हमें बहुत ही सिंपल रखना है ये मैंने नमक डाला है साथ में एक चम्मच डाला है बेकिंग सोडा और यहाँ मैंने ना हाफ कप दूध लिया है तो इतने दूध में हमारा आटा एकदम बहुत ही अच्छे से गुन के तैयार हो जाएगा अगर आपको बाद में एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है दूध की तो सिर्फ थोड़ा सा ही दूध लगेगा बाकी का इतने दूध में आपका आटा गुनने वाला अच्छे से है तो यहाँ देखें मैंने सिर्फ दूध ही डाला है और बाकी का पानी वगैरह आटा गूंदने के लिए ऐड नहीं किया साथ में कोई भी चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं की है तो बस अब मैं इसको ना एक घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दूँगी और ये देखें एक घंटा लगभग हो गया था तो यहाँ आटा हमारा सॉफ्ट भी हो गया है और थोड़ा अब हम इसको फिर से अच्छे से इसमें मुक्की लगा लेंगे जिससे कि ना आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए तो ये देखें हमारा आटा कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है अब ये ना मैंने छोटे छोटे डो बना लिए हैं आ, मतलब रोटी के साइज़ के और बस अब हमें इन्हें अच्छे से बेल लेना है तो ये देखें हमें ना एकदम इनको बारीक या पतला नहीं बेलना है इतना बेलना है कि थोड़े थोड़े ये मोटे रहें तो आप लोग देख सकते हैं और इनकी ना थोड़ी आ, एक साइड पे मैंने कुरेंटा लीव्स डाल रखी हैं जिससे कि अच्छे से इसकी गार्निशिंग हो तो ये देखने में ना काफ़ी अच्छे लगे और दूसरी साइड पर बस अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ हम लगा देंगे इसके पानी जिससे कि ना एक साइड पे हमें कोरिएंडर लीव्स रखने हैं और दूसरी साइड पे हमें पानी लगाना है तो पानी को हमने जिस साइड पे लगाया है उसी साइड से ही हमें अपने कुलचे को तवे पर डाल देना है साथ में यहाँ पे हम ना एक से दो चम्मच पानी को तवे की साइड से डाल देंगे और इस पर ना लेड लगा के हम ढक देंगे अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपके कुलचे अंदर से कच्चे रहने वाले नहीं हैं एकदम बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और अंदर तक सिक्के तैयार होने वाले हैं तो ये देखिए कुलचे हमारे कितने बढ़िया फूले फूले बन के तैयार हुए हैं और ये ना हमारी एक साइड एकदम अच्छे से सिक्के तैयार है तो अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से पलटूँगी दूसरी साइड सेकने के लिए और ये देखें हमारे ना जितने मैंने साइज किया था उसके डबल हो गए हैं तो यहाँ ना एक चम्मच फिर से मैं पानी को डाल दूँगी और फिर से मैं यहाँ पे लेट को कवर कर दूँगी फ्राई पैन को लेट से और इससे ना जो भी इसकी भाप वगैरह होगी तो इससे कुलचे एकदम अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अब हम यहाँ पे लगा लेंगे घी और ये हमारे एकदम बन के तैयार हैं आप लोग सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं और साथ में बहुत ही सिंपल सी क्विक सी रेसिपी है ये तो बस ये हमारे बन के तैयार हुए छोले कुलचे तो ये है हमारा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको छोले कुलचे की रेसिपी कैसी लगी और इसी के साथ ही फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ ना हम फिर से रात में आ गए हैं अपनी किचन में और करने वाले हैं डिनर की तैयारी तो मैं डिनर में बहुत ही सिंपल सी थाली रखने वाली हूँ तो यहाँ पे ना मैं बैगन का भरता तैयार करूँगी उसके लिए मैंने बैगन वगैरह पहले से ही काट के रख लिए थे और जो अनियन ग्रीन चिली वग़ैरह है टमाटो है तो ये ना मैं साथ के साथ ही तैयार करती जाऊँगी बैंगन का भरता भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं और ये देखें ऑयल हो गया है तो यहाँ हमने डाल दी है अनियन और जब हमारी अनियन हो जाएगी तो हमें यहाँ अनियन को डार्क नहीं करना है लाइट ही रखना है और उसी के साथ ही फिर हम यहाँ ऐड कर देंगे अपने बैगन बैगन को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे और अपने मसाले ऐड कर देंगे जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं हल्दी पाउडर धनिया मिर्ची ये सारी चीज़ें ऐड करके साथ में मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूँगी और इसमें ना मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है बस ऐसे ही मैं इसको लेड लगा के रख दूँगी तो जब तक हमारे जो बैगन है सॉफ्ट होते हैं तो तब तक हम अगर अपनी किचन में हैं तो किचन का ही थोड़ा कुछ कर लेते हैं तो जो भी ना मसाले वगैरह के डिब्बे यहाँ पे यूज़ हुए थे तो मैं उनको अच्छे से साफ़ करके रख दूंगी तो हम लोग ना अगर किचन में होते हैं तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है चाय वगैरह बनाने में सब्जी को पकने में जो टाइम लगता है तो उसमें हम अपनी अच्छे से किचन की हल्की फुल्की क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं तो इसे ना जो डब्बे वगैरह होते हैं उन पे चिकनाई वगैरह नहीं लगती है तो जो भी मेरे मसाले वगैरह में डब्बे यूज़ हुए हैं तो उन्हें मैं यहाँ अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी तो ऐसा ना अगर हम लोग डेली ही करते रहें तो क्लीनिंग में हमें काफ़ी ही हेल्प मिल जाती है तो यहाँ देखें हमारे जो बैगन हैं वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने अभी तक इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है ये देख ही सकते हैं आप और अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची और साथ में जो है अपने टमाटर तो टमाटर यहाँ अपना पानी छोड़ देंगे खुद ही तो यहाँ हमें फिर से पानी वगैरह ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बस ऐसे ही मैं इसको लिड लगा के अच्छे से रख दूँगी दस से पंद्रह मिनट के लिए लो फ्लेम पे और बस ये टमाटर के साथ ही जो बैगन है वो हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ में यहाँ पे फिर अपनी जो रोटी वगैरह बनाने के लिए मैंने अपने आटे को भी गूंद के रख दिया है और ये देखें सब्ज़ी हमारी ना बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है बिना पानी के ही टमाटरों ने अपना पानी छोड़ के बैगनों को काफ़ी अच्छे से गला दिया है और थोड़े से ना मैं अपने स्पैचुला की हेल्प से ही इसको मैश कर लूँगी तो यहाँ पे ना हमारे हमारे जो हैं वो बैगन का भरता काफ़ी अच्छे से एकदम इजीली बन के तैयार होने वाला है इसमें हमें कोई भी अलग से एफर्ट्स वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे तो यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में कुरेंडर लीव्स तो बस ये हमारा बैगन का भरता बन के तैयार है साथ में मैं इसके तैयार कर लूँगी चपाती साथ के साथ ही यहाँ मैं दानिन के लिए डिनर में बना रही हूँ खिचड़ी या फिर दलिया तो यहाँ ना मैंने थोड़ा सा दलिया और थोड़ा ही मसूर की दाल ली है तो मैंने एक एक चम्मच दोनों चीज़ों को ले लिया है और फ्राई पैन में डाला है मैंने एक चम्मच घी साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और बिल्कुल हल्की सी एक पिंच डाल दी है मैंने हल्दी और इसी के साथ ही फिर मैंने ना ये दोनों चीज़ों को वॉश कर लिया था और मैं इसको हल्दी और जीरे में ही अच्छे से भून लूँगी और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे ना एक कटोरी डाल दिया है पानी और अब बस हल्का सा नमक डाल के मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए तो ये ना हमारा दानिन के लिए भी डिनर बन के तैयार है तो दानिन मेरी सेवन मंथ कंप्लीट कर चुकी है तो उसको मैं अपना थ्री मील्स देती हूँ ब्रेकफास्ट है लंच है और डिनर तो जो भी मुझे इज़ीली लगता है जो कि दानिन खा सकती है वो मैं उसके लिए बना देती हूँ तो आज उसके लिए डिनर में बनाई है दलिया और ये देखें हमारी सिंपल सी जो है वो थाली बनके तैयार है सैलेड के साथ और बताइएगा कि आप लोगों ना आज का मेरा फुल डे ब्लॉग कैसा लगा मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अगर आप लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय